नमस्कार, एलएनबी टीवी में आपका स्वागत है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की तारीखों के ऐलान करते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई और उसके साथ ही बज गया चुनावी बिगुल, जिसके बाद प्रारंभ हो गया आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला। प्रत्येक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल के ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप लगा रहे हैं और आरोप प्रत्यारोपों का जो सिलसिला है वह अब धीरे धीरे गति पकड़ने लगा है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के नेता वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया के विरुद्ध एक शिकायत लेकर दमोह जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जे विजय कुमार के पास पहुंचे। उन्होंने आदर्श आचार संहिता के खुला उल्लंघन करने के आरोप लगाते हुए कहा कि जयंत मलैया विभिन्न प्रकार के उन हथकंडों को अपना रहे हैं जो आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन का प्रमाण है। धन बल बाहुबल के आरोप भी लगाए गए, तो वहीं दूसरी ओर यहां संतोष भारती जो नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने सफेदपोश, चोर, डकैत जैसे शब्द भी इस्तेमाल किए जयंत मलैया के लिए। उन्होंने कहा कि हम खुला चैलेंज कर रहे हैं कि अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी दम है, शर्म है, तो मेरे विरुद्ध मानहानि का दावा प्रस्तुत करें। वहीं नितिन मिश्रा, यशपाल ठाकुर और अभिषेक डिमा, इन्होंने भी अपने वक्तव्य में विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए। कलेक्टर डॉक्टर जे विजय कुमार को दिए शिकायत पत्र में उन्होंने कहा कि अगर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की जाती है तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने के लिए, आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। आइए हम आपको सुनवाते हैं क्या कहा कांग्रेस नेताओं ने एलएनवी टीवी के माध्यम से। खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, सारी तमाम मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा करके लालच बांट रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, पेट्रोल की पर्चियां दे रहे हैं और सार्वजनिक स्थानों पर जो सरकारी संस्थान हैं उनके ऊपर टेंट लगा के कब्जा करके अपना प्रचार कर रहे हैं। ये सब जो गलत हो रहा है इसके बारे में शिकायत करने के बाद कुछ नहीं हो रहा। जो टीम जाती है उड़नदस्ता फलाना, ये सब मजाक, ये सब उनके खरीदे हुए, ऐसे लग रहे जैसे उनके खरीदे हुए गुलाम। लगता नहीं कहीं कोई शासन तंत्र, अगर निर्वाचन तंत्र निष्पक्ष है तो उसका होने का सबूत दे। हमें कलेक्टर महोदय को नहीं, घर में मत रहना, कलेक्टर को नहीं, जिला दंडाधिकारी के नाते, जिला निर्वाचन अधिकारी के नाते हम उनको एहसास कराने गए थे कि आपके निष्ठापूर्ण आचरण के बावजूद, आपकी कर्तव्य निष्ठा आचरण के बावजूद, आपकी ईमानदारी के बावजूद आपका जो अधीनस्थ हमला है वो पूरी तरह से बेईमान है, पूरी तरह से उनके साथ हमजोली कर रहा है और उनके लोग आकर के हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जब धमकाने की कोशिश करते हैं, चमकाने की कोशिश करते हैं। हमने ये भी उनको एहसास कराने का कोशिश की है कि इतने कोई ऐसे नहीं है, ये मरियल, उनकी आखिरी बूंद तक इन बेईमानों का, और ये जो गुंडागर्दी सोच रहे कर लेंगे, खून बह जाएगा हम लोगों का, लेकिन दबने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं हैं। इसका मुकाबला किया जाएगा अहिंसक ढंग से, शांतिपूर्वक। शांति का हमारा रास्ता अहिंसा का रास्ता कायर ना समझें, ये वो कायरता नहीं है अहिंसा। हम उनमें से हैं कि मारेंगे नहीं, ये अहिंसा है हमारी, लेकिन मानेंगे भी नहीं, ये हमारा सत्याग्रह है सत्य के प्रति, और सत्य के लिए लड़ेंगे। अब बेईमान इस धरती के, दबो की धरती के सबसे बड़े सफेदपोश डकैत जयंत मलैया वित्त मंत्री, जब उसके गुर्गे आते हमने उनसे पूछा, जा उसके अंदर खून नहीं है क्या, बावलाद है जयंत मलैया, क्यों नहीं करता हमारे खिलाफ मानहानि का दावा कि तेरे को हम लिख रहे सफेदपोश डकैत, दिखने में बड़ा भोला और दिल का उतना काला, हजारों करोड़ लूट के खाए उसने, उसके समधी, उसके समधन, उसके लड़के के सारे वरुण परशुराम पुरिया, क्यों इस चीज़ को दबाया जा रहा है? आज उसी हराम के पैसे की कमाई से वो सोचता हम जनता को खरीद लेंगे, वोट खरीद लेंगे, ये नहीं होने देंगे। अगर नियम कानून टूटेगा
मर्यादा का उल्लंघन होगा निर्वाचन संबंधी, हम बोलेंगे, दबने वाले नहीं है। हमारी अंतिम अपेक्षा है माननीय निर्वाचन अधिकारी से कि आप अपने अमले को सुधारिए, उनको कंट्रोल में करिए, जो पूरी तरह से ऐसे नजर आते जैसे बिके हुए, ये हमारा कहना। आप देख रहे होंगे तीसरा मामला है जिसको कांग्रेस लेकर आई है यहाँ शिकायत करने के लिए। पहले मामले में आपने देखा था कि प्रशासनिक तंत्र का उपयोग करते हुए किस तरीके से थैले में अपनी फोटो लगे बैग से उनका सामान वितरित करने जा रहा था, उसमें प्रशासन ने कार्रवाई करके जो मैन आदमी था जिसका सामान था उसको छोड़ दिया और दो बेचारे जो गरीब अधिकारी हैं उनको उसमें मुलजिम बनाया। उसके बाद एक घटनाक्रम इमलिया घाट का आया जहां वो 3-4 दिन से अपना स्वतंत्र रूप से कार्यालय खोलकर वहां से सामग्री वितरित कर रहे थे, उस संबंध में शिकायत की, उस पर भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज एक घटनाक्रम आया जिसमें ग्राम अभाना में उनकी सार्वजनिक सभा थी, वहाँ उन्होंने प्रशासन की जो योजनाएँ हैं उनका प्रचार प्रसार किया, वहाँ लोगों को पेट्रोल की पर्चियाँ बाँटी, खाने बाँटे, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के फोटो लगे चित्र से वो दुपट्टा बांटा। विधानसभा में बड़ी विडंबना है, आप 27 साल से विधायक और 15 साल से मंत्री हैं, ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी आपको कि आप यदि विकास दमों में किया होता आपने तो लास्ट में ये आपकी नौबत नहीं आती, कहीं थैले बांट रहे तो कहीं पैसे बांट रहे तो कहीं पेट्रोल बांट रहे। सबसे पहले थैले रहे तो सामग्रियां बांटी जा रही थी, सबसे पहले वो घटनाक्रम हुआ तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस बात से अवगत कराया गया था। उसके बाद इमलिया घाट में भी इस तरीके की सामग्रियां भारतीय जनता पार्टी की पकड़ी गई थी और आज अभान में भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन कराया गया, युवाओं का सम्मेलन कराया गया जिसमें इस प्रकार की सामग्रियां बांटी गई हैं। ताज़ातरीन समाचारों के लिए देखते रहिए LNB TV, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज़। नमस्कार।